नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी CW का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें ITI पास बच्चे एलिजिबल हैं और सैलरी आपकी जो रहने वाली 28,000 पर मंथ रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपका गुड़गांव मानेसर में रहने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करें, शुरू से लास्ट तक देखें वीडियो। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कंपनी का नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, पोजीशन आपका कंट्रेक्चुअल वर्कमैन पे रखा जाएगा। जॉब लोकेशन आपका गुड़गांव मानेसर में रहने वाला है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और सैलरी की बात करें, सैलरी 28,000 पर मंथ रहने वाला है। क्वालिफिकेशन ITI पास होना चाहिए बंदा, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, सिविल या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, फाउंड्रीमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, MMB, RAC, पेंटर जनरल, वेल्डर, वायरमैन, टर्नर, प्लम्बर और भी जो ट्रेड हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो रहने वाला है आपका 18 से 26 साल, ज्वाइनिंग डेट तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा, 27 साल हो गया है या 26 साल 3-4 महीने हो गया तो नहीं लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला आपका ऑनलाइन होगा, सारा चीज़ ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर और पर्सनल इंटरव्यू। एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल रहता है सब कुछ, और इंटरव्यू में भी नॉर्मल ही रहता है। इसमें एलिजिबल स्टेट, ये सिर्फ 3 ही स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें। अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करा लेना है और OTP डाल के वेरीफाई कराना है। जो भी 100% भरना ही भरना है, उसके सामने ऐसा स्टार रेड कलर का बन के होगा। और जो अवॉइड कर सकते हो, जो नहीं भरना है, जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके सामने कोई स्टार नहीं होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप देखें कैसे कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। यही इम्पॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। वेरीफाई कराने के बाद में आपको 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से अपना पूरा नाम भरना है, उसके बाद में अपना जेंडर चेंज इसमें सेट करना है, मेल, फीमेल, अदर, उसके बाद में पापा का नाम डालना है, अपने पिताजी का, अगर उनके नाम में स्पेस है तो स्पेस डालें, नहीं है तो नहीं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कराना है, 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब आपका 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैंने इसलिए पहले ही भर के रखा, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आप अपना और भी काम कर सकें। इसमें मैंने डेट पहले ही भर दिया था, जिससे कि आपका, देखो इसमें 25 साल महीना कुछ भी नहीं हुआ और 22 दिन हो गए हैं, इसमें सारा जानकारी आ गया आपका। और अब इसमें भरेंगे ITI के अकॉर्डिंग, जो भी आपका नाम ITI में है, डेट ऑफ बर्थ, ITI के मार्कशीट में आपका कैसे नाम है वो आपको डालना है, और डेट ऑफ बर्थ, ITI में नाम पूरा डालना है, और पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसके बाद में आधार कार्ड में आपका नाम कैसे है वो डालना है, पिताजी का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसके बाद में आप पैन कार्ड में आपका नाम कैसे है और पिताजी का नाम कैसे है और डेट ऑफ बर्थ
ये डिटेल आपको भरना है। फिर उसके बाद में आता है आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आप कहाँ पे रह रहे हो वो डालना है, और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक ही बार में भरोगे, दोनों भर जाएगा। और अगर आप दो अलग अलग जगह रह रहे हो तो वर्तमान में आप कहाँ पे रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस वो डालना है, मकान नंबर, गांव का नाम। ये मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया था, तो राज्य छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, पिन कोड 2222। और परमानेंट एड्रेस जो है वो भी आपको भर लेना है, गांव का नाम, गली और राज्य, जिला, पिन कोड, ये सारा भरने के बाद में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आप किस में आते हो वो। उसके बाद में आप कहाँ के रहने वाले, मूल निवासी छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तराखंड, और आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है वो चीज़ यहाँ पे चूज़ करना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका पड़ा होगा इसमें, ऊपर जब वेरीफाई करवाओगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है या घर में किसी का आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, जिससे आपके मोबाइल पे अगर फ़ोन नहीं लगता है तो इस नंबर पे कॉल आ जाएगा। मेल आईडी ज़रूर डालें, वो डालना ही पड़ेगा। उसके बाद में ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे भरना है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर भरना है दोनों, और आपने क्या पढ़ाई कर रखी है वो आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, कहाँ से कर रखा है। अब जैसे मैंने भर रखा है 10वीं कहाँ से कर रखा है, PGH कॉलेज से। कैसा था, रेगुलर था, और कौन से सन में मैंने स्टार्ट किया था, 2014, और उत्तीर्ण फाइनल कौन सी ईयर में किया, पास 2015, परसेंटेज कितना, 85। और 12वीं अगर भरना है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर भरना चाहो तो भरो अन्यथा छोड़ दो। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ITI का ज़रूरी है, ये भरना ही पड़ेगा। इसमें मैंने डाल रखा है नाथ प्राइवेट ITI, कैसा था, कहाँ पे, रायपुर में ITI कैसा था, वो संस्थान प्राइवेट था, ट्रेड कौन सा, इलेक्ट्रीशियन, स्टार्टिंग ईयर कब से मैंने शुरू किया, 2015 से, और पास कौन से ईयर में किया, 2017 में, और सर्टिफिकेट बॉडी कौन सा था, NCVT, SCVT। इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे इस तरह से, तो आपको चूज़ करना है कौन सा है आपका। तो यहाँ पे मैंने NCVT चूज़ किया था, और परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है जो भी आपका परसेंटेज आता है। और अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और फैमिली डिटेल आपको इसमें भरना है, फादर नेम, पापा का नाम डालना है, उनका उम्र डालना है, वो क्या काम करते हैं, और उनकी वार्षिक आय कितनी है। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो एग्रीकल्चर में डाल सकते हो, और उनकी आय जितना कम से कम हो उतना डालें। और माताजी क्या करती हैं, मदर का नाम, उनकी उम्र, और वो काम क्या करती हैं, घर में है तो हाउसवाइफ, और उनकी आय, उनकी इनकम नील डाल सकते हो। अगर शादी हो गया तो पत्नी का नाम डालें, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चों का भी नाम डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब। और नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है वो भरना है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसमें भर सकते हैं, यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नील कर दो। अगर आप विकलांग है किसी तरह से, आपका हाथ या उंगली कटा हुआ है या कुछ भी है,
तो यहाँ पे यस करो, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पे नो भर दो, और अगर यस कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आपको मिर्गी या ऐसी कोई बीमारी है तो यहाँ पे फिल यस करना है और यहाँ पे फिल करना है, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ फिल कर देना है। अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यस कीजिए या नो करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कुछ दिनों से लंबी बीमारी या सर्जरी हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे यस करें या नहीं तो नो कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नो भर दें, यहाँ पे भी नो कर दें। अगर आपने कभी अप्लाई किया है तो भी यहाँ पे नो कर दें, अगर यस करोगे तो उसका विवरण मांगेगा और आप फिर सेलेक्ट नहीं होगे, यहाँ पे नो कर देना है। काम किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नो करके सब नो नो भर देना इसमें। और अगर कोई किसी को जानते हो तो भी नो नो कर दो, किसी को नहीं जानते हम, सारा नो नो भर के फिर उसके बाद में अगर आपका कोई जैसे पिताजी या माताजी, बहन भाई कोई काम किया है तो यहाँ पे विवरण देना है। अगर वो कोई ज़रूरी नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद में यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, आपको 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए आपका फ़ोटो। उसके बाद में क्या आपको कोविड हुआ था, नहीं तो यहाँ पे नो भर देना है, यस या नो, नो पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद में फिलअप कर देना है। दोनों वैक्सीन ले चुके हैं तो यहाँ पे डन कर, यहाँ पे सेलेक्ट करना है नॉट डन, डन, तो दोनों ले चुके हैं तो डन करेंगे। फिर उसके बाद में वैक्सीन कौन सा लिया है, कोविशील्ड, कोविवैक्स, स्पुतनिक वी, तो कोविशील्ड पे क्लिक करके यहाँ पे कब कब लिया, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, दोनों, वो डेट भरना है। भरने के बाद में यहाँ पे पढ़ लेना है घो, फिर उसके बाद में ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद में यहाँ पे सेव एंड क्लिक नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद में आपका 10वीं 12वीं का देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ITI, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो, ये सारी जानकारी आपको आगे वाली साइड पे भरना पड़ेगा। और अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और कमेंट करें जानकारी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे कि उनका भी हेल्प हो जाए और वो भी अच्छी जॉब कर सकें। डॉक्यूमेंट्स को कम MB में बनाने के लिए आप फ़ोटो खींचो या किसी के मोबाइल से, अच्छे मोबाइल से जिसका कैमरा सही हो उससे फ़ोटो खींच करके डॉक्यूमेंट्स का अपने मोबाइल पे सेंड करवा लें व्हाट्सएप पे, जिससे कि वो KB में चेंज हो जाएगा और यहाँ अपलोड करने में आसानी होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।